क्या जनमंच के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में लोग नहीं आएंगे। तो दूसरी तरफ से आप कोविड का बहाना लेके चुनाव टाल रहे हो कि सरकार नहीं चाहती थी कि ये चुनाव हो, और इसलिए इन चुनावों को टाला गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार जो है साफ तौर पे नजर आ रही है। स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स मोती बाजार मंडी, सोने से चमकाए अपनी खूबसूरती। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को टाल दिया है। कांग्रेस ने इसको लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को हार के डर से चुनावों से भागने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि भाजपा प्रदेश में अपनी हार सामने देखकर चुनावों से भाग खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग प्रदेश में बढ़ते कोविड का हवाला दे रही है, तो प्रदेश सरकार स्वर्णिम रथ यात्रा जनमंच की तैयारी कर रही है। सरकार के जो बयान है उन बयानों में अपने आप में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। एक तरफ से चुनाव आयोग ने कहा कि इसलिए टाले जा रहे हैं कि कोविड का बहुत ज़्यादा खतरा है। हम भी मानते हैं कि कोविड के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। अगर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो सरकार मूक दर्शक बन के क्यों बैठी? अभी पिछले दिनों अनुराग ठाकुर जी प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकाल के गए और अब मुख्यमंत्री जी जो है स्वर्णिम रथ यात्रा निकाल रहे हैं। क्या उसमें लोग इकट्ठे नहीं होंगे? इनके जनमंच के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, क्या जनमंच के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में लोग नहीं आएंगे? तो दूसरी तरफ से आप कोविड का बहाना लेके चुनाव टाल रहे हो, तो मुझे लगता है कि सरकार अपने आप में ही जो है सरकार की जो मंशा है उसमें निश्चित तौर पे संदेह हमको है कि सरकार नहीं चाहती थी कि ये चुनाव हो, और इसलिए इन चुनावों को टाला गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार जो है साफ तौर पे नज़र आ रही है। और इस वक्त जो प्रदेश में माहौल है, जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था जो है खस्ता हालात में, विकास के काम सारे बंद पड़े, लगातार सरकार जो है कर्जा लेके जो है कर्मचारियों को तनख्वाहें जुटाने का प्रयास कर रही है और अफसरशाही पे कोई नियंत्रण नहीं है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार जो है बैकफुट पे है। और मुझे एक भी वर्ग बताएं प्रदेश का जो इस वक्त सरकार के समर्थन में, किसान इनके खिलाफ है, बागवान इनके खिलाफ है, व्यापारी इनके खिलाफ है, कर्मचारी इनके खिलाफ है, युवा इनके खिलाफ है, व्यवसायी इनके खिलाफ है, इनके साथ है कौन? इसलिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार जो है सामने दिख रही है, इसलिए इन चुनावों को टाला गया। बाकी अगर चुनाव होते हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तैयार है और जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपनी एकजुटता दिखाई है उससे भी भारतीय जनता पार्टी के हौसले पस्त हुए हैं। और हमारे जो दौरे रहे हैं उन दौरों में ये तीनों जगह पे जहां उपचुनाव होने विधानसभा के और मंडी लोकसभा क्षेत्र का मैंने स्वयं दौरा किया, जिस ढंग से लोग वहाँ जुटे हैं, हमारी सभाओं में जो भीड़ आई है वो इस बात का संकेत है कि हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन की हवा चल रही है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।